दोस्तों, अगर आप भी अर्जुन तेंदुलकर और जसप्रीत बुमराह को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अर्जुन के पदार्पण पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने तारीफ के साथ दिया सनसनीखेज बयान। जी हां दोस्तों, मुंबई और कोलकाता के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में अर्जुन तेंदुलकर ने पदार्पण किया है। ऐसे में उनके पदार्पण करने पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने उनकी तारीफ की और बधाई देते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार अर्जुन तेंदुलकर के पदार्पण करने पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अर्जुन तेंदुलकर और जसप्रीत बुमराह में कौन है खतरनाक गेंदबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मुंबई और कोलकाता के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में कोलकाता की टीम को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ गया। लेकिन इस महामुकाबले में मुंबई की टीम ने बेहतर प्रदर्शन तो किया, साथ में उनकी तरफ से सबसे ज्यादा चर्चा में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का पता पड़ रहा है। आपको बता दें, इस मुकाबले में सचिन के बेटे अर्जुन को टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सभी को अपना दीवाना बनाया। इस दौरान अर्जुन तेंदुलकर को पदार्पण कैप कप्तान रोहित शर्मा ने दी, जहां पर अर्जुन तेंदुलकर ने पहले ही ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम के बल्लेबाजों को मात्र 5 रन बनाने दिए। लेकिन इसके बाद वह दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनको वेंकटेश ने 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 13 रन उड़ा दिए और उन्होंने 2 ओवर के अंदर 18 रन देते हुए बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया। ऐसे में अर्जुन की जबरदस्त गेंदबाजी के चलते मुंबई की टीम ने कोलकाता को मात्र 185 रन पर रोका और इसका पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने मुकाबले को 5 विकेट से 19 ओवर में जीत लिया। ऐसे में अर्जुन तेंदुलकर की बेहतरीन गेंदबाजी और उनके पदार्पण करने पर पाकिस्तानी दिग्गजों का रिएक्शन और बयान सामने आया है, जिसमें इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि अर्जुन को उनके पदार्पण करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आखिरकार मुंबई की टीम ने उनको मौका दिया है, वैसे देखा जाए तो सब्र का फल मीठा होता है और उन्होंने इसी तरीके से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन शुरुआत की गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अर्जुन तेंदुलकर का भी क्रिकेट जीवन सचिन तेंदुलकर की तरह उज्जवल हो और वह अपने पिता का नाम अपने प्रदर्शन के दम पर रोशन कर सके। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, यह तो सभी को मालूम है, लेकिन उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर क्रिकेट में कदम रखा है। यहाँ पर अर्जुन को इतने सालों को खेलने का मौका सिर्फ उनके बेहतर प्रदर्शन के कारण मिला। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अगर उनके पिता चाहते तो जल्द उन्हें टीम में शामिल करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने सही वक्त आने दिया और मेहनत के दम पर अर्जुन की मुंबई एंट्री टीम में हुई। तो वहीं अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे और उनका क्रिकेट का भगवान उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए कहा जाता है। अर्जुन के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर अब उनको क्रिकेट में याद किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि अर्जुन को पदार्पण करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है अर्जुन तेंदुलकर अपने पिता की तरह क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ेंगे और सभी को अपना दीवाना बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर बना लेंगे। तो दोस्तों, अर्जुन के पहले मुकाबले में की गई गेंदबाजी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।